सो आज है डे थ्री ऑफ द ट्रिप। कल हमने डिनर किया फरमाइश रेस्टोरेंट में, जो है स्टेशन के आगे। ये किसी ने रिकमेंड नहीं किया, बट हमने गूगल पे सर्च किया एंड हम पहुंच गए वहाँ पे। फोटोज़ देख के हमको टाइम भी नहीं मिला रिव्यूज़ चेक करने के लिए, बट हमको लगा कि ठीक ही रहेगा। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद एम्बियंस वॉज गुड, बट आई थिंक वहाँ का जो मेन कोर्स है वो थोड़ा ठीक नहीं था। स्टार्टर्स वे ऑल्सो गुड, बिकॉज जो हमने ऑर्डर किया था लाइक रुमाली रोटी एंड कुछ मटन का हमने कुछ ऑर्डर किया, जो एक्चुअली टेस्ट नहीं था, क्योंकि हमने वैसे ही छोड़ ही दिया वहाँ पे, खाया भी नहीं हमने। इनफैक्ट हमने हमने खुद से भी ऑर्डर नहीं किया था, वो हमने डायरेक्टली जो वहाँ के वेटर हैं, बिकॉज उनको पता रहता है कि यहाँ पे उनके रेस्टोरेंट में क्या अच्छा मिलता है, तो हमने उनको पूछा कि आप क्या रिकमेंड करते हो, तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए आप। लेकिन जो उन्होंने ऑर्डर किया वो नहीं ठीक था। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब कोई ट्रैवल करता है और कोई दूसरे शहर पहुंचता है और वहाँ के लोग रेकमेंड करते हैं कुछ खाने के लिए और वो ठीक नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं हमको ओवरऑल वो एक एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहता है। तो एनीवेज कल रात को जो हमको डिनर मिला वो उतना ठीक नहीं था। एम्बियंस वॉज गुड, होटल वॉज गुड, स्टेशन के नज़दीक था। हो सकता है कि इससे अच्छे होटल्स हो सूरत में, बट ये वाला ठीक नहीं था। तो अभी अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो आई थिंक आज का सारा, अभी एक्चुअली टाइम हुआ है कुछ 9:45 हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मे बी हो सकता है कि अंधेरा हो जाएगा उदयपुर पहुँचने के लिए, क्योंकि आई थिंक कुछ 9 घंटे की जर्नी है नॉन स्टॉप अगर बिना रुके हुए चलते हैं। तो हम लोग चलो निकलते हैं जल्दी से एंड रास्ते में देखते हैं और इस पर रिकॉर्ड करते हैं कि नज़ारा कैसे है इस रूट का, बिकॉज़ पहली बार हम लोग लो ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पे। सो माय गॉड, मेरा हाथ हर्ट कर रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। ओके सो अभी हम लोग निकले हैं होटल से, ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छी तरह से, मारा और हम लोग अभी निकले हैं टूवर्ड्स उदयपुर। आई थिंक 8-9 घंटे का सफ़र है, तो मे भी हो सकता है कि बीच में हम लोग हॉल्ट लें या ना लें, या फिर डायरेक्ट हम लोग नॉन स्टॉप निकले उदयपुर के लिए, बिकॉज़ हो सकता है कि वहाँ पे जब तक हम लोग पहुँचे अंधेरा हो गया होगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हाईवे पे सॉरी हाईवे पे हम लोग अंधेरे में गाड़ी चलाएं। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। अभी हम रुके हैं पोकर पेट्रोलियम, जो पोकर गांव में एक छोटा सा ब्रेक लिया है गोइंग टूवर्ड्स उदयपुर। तो आई थिंक अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे से बैठे हैं। आई थिंक 50% रोड हमने क्रॉस कर दिया है, तो एक छोटा सा हमने लिया है हॉल्ट। ओके सो अभी हम लोग निकल रहे हैं पोकर से टूवर्ड्स उदयपुर। पेट्रोल भरवाया था हमने अभी, सॉरी डीजल भरवाया था। एक छोटा सा हॉल्ट लिए हैं मुदासा बाईपास रोड पे टू हैव सम रिफ्रेशमेंट्स।
ओके सर, नाउ वी आर डन विथ आवर रिफ्रेशमेंट्स. अभी आई थिंक यहाँ से जो उदयपुर है 155 किलोमीटर्स दूर है, तो वी विल हेड टूवर्ड्स उदयपुर नॉन स्टॉप, बिकॉज अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि अंधेरा हो जाएगा. तो अंधेरा होने से पहले वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग उदयपुर पहुँच जाए. ओके सर, वी जस्ट रीच उदयपुर एंड दिस प्लेस इज जस्ट अमेजिंग. ये जो होटल मैंने अभी बुक किया है, रिव्यूज़ में तो वैसे बहुत अच्छा है, बट रियल में आप देखोगे तो इट्स अमेजिंग. मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट इज़. सो हमने यहाँ पे एक्चुअली दो रूम्स बुक किए हैं. एक रूम है नीचे जो थोड़ा सा बड़ा है, और ये है एक्चुअली थोड़ा सा छोटा रूम. मैंने यहाँ पे पूछा रिसेप्शन पे कि ये रूम्स का साइज़, बिकॉज हमने एक ही टाइप का रूम लिया था यहाँ पे, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि छोटा रूम बड़ा रूम ना हो, तो इसलिए हमने एक टाइप का रूम लिया. लेकिन आई डोंट नो भाई, ये छोटा एक बड़ा है. तो हमने जाके वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कह रहा है कि ये एक्चुअली एक हवेली थी, तो हवेली के रूम्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको रीडिज़ाइन किया है फिर से एज एन होटल. तो एक्चुअली द लुक जो आ रहा है एकदम टिपिकल राजस्थानी लुक है, एंड है बहुत ब्यूटीफुल. एक्चुअली जो भी डिज़ाइन है, जो फर्नीचर यहाँ पे इन्होंने रखा है होटल में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. अभी हमने डिनर कंप्लीट किया है. फूड इज गुड ओवर हियर. रूफटॉप रेस्टोरेंट है जहाँ पे लाइव म्यूजिक था, एंड कोई राजस्थानी स्पेशल डिश हम लोग एक्सपेक्ट नहीं, मतलब हमको मिला नहीं वहाँ पे जो मेनू में था. एंड
मेनू में हमने ऑर्डर किया था कुछ थोड़ा सा चाइनीज़, बिकॉज़ ट्रैवल में हम लोग वैसे ही थक चुके थे। तो हमने सिर्फ चाइनीज़ एंड कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किया। एंड अभी हम लोग एक्चुअली वी आर वेरी जस्ट, इसलिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ऐसे बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, बिकॉज़ हमने अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स की जर्नी की है फ्रॉम सूरत टू उदयपुर। तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे और सुबह देखिए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज़ ये एक्चुअली हम लोगों का स्टॉप नहीं था, हम लोगों का स्टॉप एक्चुअली अजमेर था, बट बिकॉज़ जर्नी थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है।